नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, असहिष्णुता को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत के किसी भी हिस्से में असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी ने कहा, भारत बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है और हमारी संस्कृति समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को स्वीकार नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादी समूहों और आतंकवाद को पनाह देने वालों के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। हमें इसके खिलाफ ईमानदारी से लड़ना चाहिए। हमें ऐसा सामाजिक आंदोलन चलाने की जरूरत है जिसमें आतंकवाद को धर्म से न जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर लिखा था भगवान राम। टीपू सुल्तान के जयंती समारोह पर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 18वीं सदी के मैसूर के इस शासक की अंगूठी लंदन से वापस लाने की मांग की और दावा किया कि उस पर भगवान राम का नाम अंकित है। सपा नेता ने प्रधानमंत्री से इस अंगूठी को वापस लाने और उन भाजपा कार्यकर्ताओं को दिखाने को कहा है जो टीपू सुल्तान विरोधी अभियान चला रहे हैं। आजम के अनुसार यह अंगूठी ब्रिटिश संग्रहालय में है। अब नहीं रहेगा 13 तारीख और शुक्रवार का भय। शुक्रवार का दिन 13 तारीख को पड़ जाने को कुछ लोग शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे लोग शुक्रवार का दिन 13 तारीख को पड़ने से एक अजीबोगरीब भय से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोगों के भय को दूर करने के लिए ऐसा कैलेंडर बनाया गया है जिसमें शुक्रवार के दिन 13 तारीख नहीं पड़ेगी। फाइगेट्रा इसका इडेक काफोविक से ग्रस्त लोगों का मानना है कि शुक्रवार और 13 तारीख का संयोजन दुर्भाग्यपूर्ण होता है। भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने ऐसा कैलेंडर तैयार किया है जिसमें शुक्रवार कभी 13 तारीख को नहीं आता। अपने इस काम को वर्ष 1994 में लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का दावा करते हुए ब्रजभूषण विज ने कहा कि मेरा सिद्धांत यह है कि 13 तारीख कभी भी शुक्रवार के दिन नहीं होगी क्योंकि मेरे कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से होती है। कनाडा के सिख रक्षा मंत्री पर नस्ली टिप्पणी। कनाडा के नवनियुक्त सिख रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन को सोशल मीडिया पर एक सैनिक की कथित तौर पर नस्ली टिप्पणी का सामना करना पड़ा। इसके बाद कनाडा के सशस्त्र बलों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। द ग्लोब एंड मेल के अनुसार सेना ने सैनिक की पहचान बताने या क्या लिखा गया यह बताने से मना कर दिया। एक सूत्र ने बताया कि क्यूबेक के एक गैर कमीशन प्राप्त सदस्य ने भारत में जन्मे सज्जन की जातीय पृष्ठभूमि के बारे में अनुचित बयान दिया।